ओके लेट्स गो। कैफे बंगलुरु कैसे बना? मैं बोला यहाँ का खाके देख। जहाँ पे लगती लाइन कारों की, सस्ता सुंदर टिकाऊ बोलते हैं ना। क्या क्वेश्चन ही भूल गया मैं, वो फील हो कि वो टेंपल में बैठ के खा रहे। हर चीज यहाँ पे लाइव बनती है। ठीक है, कट 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 कर दिया मेरे लिए, मीठा ले आओ यार। लुक एट द क्राउड ऑफ कैफे बेंगलुरु। भाई आज मैं रायपुर में एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे लगती लाइन कारों की। भाई मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है, ऐसे मैं नहीं पूरा रायपुर करता क्योंकि यहाँ पे क्या करें, ऑप्शन ही नहीं लाइन लगाने के अलावा। ये चलते हैं अपन ऐसी जगह में रायपुर पे जहाँ लगती है लाइन, आज भी नहीं दिन भर लाइन लगती है यहाँ पे। तो हम बात कर रहे थे कैफे बेंगलोर की, जो कि एक ही साल हुआ इसको ओपन हुए, बट एक साल में इतना ज़्यादा वायरल और पॉपुलर आई डोंट थिंक सो रायपुर में कोई और हुआ होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और पूछते हैं कि कैफे बेंगलुरु कैसे बना और इनका राज क्या है। बेस्ट पार्ट ऑफ कैफे बेंगलुरु इज यार यहाँ का एम्बियंस, मतलब एकदम मंदिर वाला वाइब आता है। आप एकदम पीसफुली आके ऑर्डर करो और बैठ के एंजॉय करो, विद इन अ मिनट आपका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा और लाइव किचन है इनका, पूरा आप देख सकते हो हर चीज़ यहाँ पे लाइव बनती है फ्रेश। आप देख सकते हो ये सब कुछ बनते हुए, एंड आप देख सकते हो क्राउड अभी शाम के 4:45 बज रहे हैं। लुक एट द क्राउड ऑफ कैफे बेंगलुरु। देख सकते हो पीछे क्राउड मेरे कितना है, ये ऐसे ही रहता है। अभी अब तो खाली मिल रहा है, फुल है, मतलब बाहर लाइन नहीं है, बट जैसे शाम होगी वहाँ पे लाइन लगती है। एंड व्हाट्स योर फेवरेट इन कैफे बेंगलुरु कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। चलिए आपको बाकी का टूर देता हूँ मैं। तो हम बात कर रहे थे कैफे बेंगलुरु की, भाई एक साल में इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी आई डोंट थिंक सो रायपुर में किसी का हुआ होगा। तो आइए चलते हैं इनके ओनर से, राज पूछते हैं कि भाई इतना क्या ऐसा रायपुर वालों का प्यार इनको मिला है और क्या ऐसा ये खिला रहे हैं जो इतनी पॉपुलरिटी हो गई है कि लाइन लगाना पड़ता है, भाई कार दूर इतना पार्क करके आना पड़ता है। चलिए चलते हैं ओनर से बात करते हैं। भैया कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। आप अपना इंट्रो दे दीजिए एक बार। मेरा नाम शेखर बिरमानी है। मायसेल्फ शीतल जैन। मुझे खंडेलवाल। कैफे में कौन सी चीज़ें डायरेक्टली बेंगलुरु से इंस्पायर्ड है? स्पेशली हमारा बेन्नी डोसा, घी पूड़ी, थाटे इडली और जो चटनी हम सर्व कर रहे हैं, अल्लम चटनी और कोकोनट मिंट चटनी जो है सर्व कर रहे हैं, वो बेंगलोर के कुजीन को जो है स्पेशली रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पेशली द घी एंड पूड़ी एज वेल, व्हिच मेक आवर ओन बेन्नी डोसा, घी पूड़ी डोसा। मतलब हमारा घी जो आप लोग का घी है जो बेंगलोर कर रहे हैं, और हमारी जो बेंगलोर की जो स्पेशलिटी जो होती है वो घी से प्रिपरेशन होती है, घी और बेन्नी, बेन्नी मतलब बटर होता है, जिसे हमारी पूरी प्रिपरेशन होती है वड़ा को छोड़ करके, हम सब चीज़ में जो है घी और बटर यूज़ करते हैं। रायपुर और बेंगलोर का टेस्ट और कैफ़े कल्चर में क्या डिफरेंस है जो आप लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम लोग अभी तक जो कंसेप्ट में हमारे अभी जो फूड है वो सब हम लोग कंपेयर करके नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को सर्व करना था ऑथेंटिक कर्नाटका क्यूजीन, लाइक जो अभी दूसरे भैया ने बताया कि बेन्ने और ठाटे और मिनी घी पोड़ी एंड ऑल दिस, हमारा बैटर ही अलग है जो यहाँ वाले डोसा से कंपेयर ही नहीं था। जो हम लोग छोटे होते थे खाते थे उस डोसा में और इस डोसा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
और हम लोगों ने उसको वैसे ही रखा, बट थोड़ा रायपुर के पैलेट को देखते हुए हमने अपने सांभर को थोड़ा अमेंड किया जो पहले बना रहे थे, जो कि इंटेग्रल पार्ट है सांभर, जो हम पहले बना रहे थे इनिशियली फर्स्ट डे और सेकंड डे में, वो हम लोग ऑथेंटिक कर रहे थे। फिर थोड़ा सा यहाँ फीडबैक आया कि नहीं थोड़ा स्वीट हो रहा है, ये हो रहा है, तो वी डिड चेंजेस इन आवर रेसिपीज स्पेशली इन द सांभर, चटनी और बाकी चीज़ें तो वाज गोइंग वेरी गुड। तो जहाँ भी काम करो लोकेशन के हिसाब से हमारे को पैलेट सेट करना ही पड़ता है। दैट वेज व्हाट अबाउट द एम्बियंस? एम्बियंस हम लोगों ने यही सोचा था कि हम तीनों का माइंड सेटअप ये था कि वील मेक इट ओपन, एकदम रॉ रखेंगे साउथ इंडियन थीम, जैसा कि एनी वन कैन कम इन, इसमें ऐसा लगे ना कि यार कोई मतलब वो क्या बोलना चाहिए कि डिफरेंसेस आ रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जिसको आना है एनी वन कैन कम एंड हैव इट। उस वे से रखना चाहते थे, हम ये सोच रहे थे कि जो भी हम डिशेस बना रहे हैं कस्टमर को खिला रहे हैं वो बिल्कुल लाइव हो, कस्टमर देखे कि वो क्या चीज़ को खा रहे हैं। तो इसलिए जो है हमने जब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी रखे तो किचन को हमने लाइव रखा। तो भाई बात करूँ उनकी मैं सर्विस की होगी, एक बार मैं रील बना रहा था तो हमने एक रील का आइडिया सोचा था, भाई एक मिनट में इनका खाना कैसे आ जाता है इतना फास्ट, तो मैं भी शौक था कि मैं एक रील बनाऊँगा, तो आज इनसे पूछता हूँ भाई इसका राज का, इतना जल्दी कैसे आप सर्विस दे सकते हो। किसी भी सर्विस को फास्ट करने के लिए जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, और उस टेक्नोलॉजी को तैयार करने के लिए जो एक्सपीरियंस हमारे शीतल भाई ने इसमें इंक्लूड किया है, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से शीतल भाई बताएंगे कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जिससे सर्विस हमारी क्विक हो सके। जो POS है ना हमारा, वो शीतल भाई ने ऐसा डेवलप किया कि इशूज ही ना आए, ये सारे पुराने एक्सपीरियंस की वजह से हम कर पाए यहाँ पर। और हमारा सिस्टम बहुत सिंपल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे डिपेंड करता है, जिसका पहले ऑर्डर है उसको पहले सर्व होना चाहिए, और उसके पीछे जितनी मेहनत है वो दुजे भाई और शेखर भाई की है, वो प्रोडक्शन रेडी करके देते हैं, मैं सिर्फ डिलीवरी का काम करता हूँ कि मैं डिलीवरी करवा दूँ उसको। मुझे एक बात बताओ, जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था तो आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट किया था कि इतना ज़्यादा जो प्यार मिलेगा वायरल हो जाओगे एक साल में? एंड सेकेंड थिंग और कि स्टार्टिंग पे आप लोगों क्या लोगों से वो मिलता था, वर्ड भूल गया, फीडबैक्स मिलते थे, और अभी क्या फीडबैक मिलते हैं, डिफरेंस क्या है अभी? जिस प्रकार से हमें पब्लिक का प्यार मिल रहा है हमने उतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उम्मीद थी क्योंकि हम ये जो चीज़ अब इंट्रोड्यूस कर रहे थे वो रायपुर में एक नया था, तो एक उम्मीद थी, और बाकी ईश्वर के ऊपर में छोड़ दिए थे। तीनों भाई मिल करके जो है दिन रात लगा दिए थे अपने मेहनत पे, और ईश्वर के ऊपर छोड़ दिए थे। उसके बाद हमने अपना काम चालू किया, और धीरे धीरे जो है जो पहले जो फीडबैक्स आ रहे थे कि कोई बेंगलुरु कैफ़े बोल करके है जोमेटो स्विगी पे जो बहुत अच्छा सर्व कर रहा है, जब अपन डाइन इन पे आए और जब ऑन दी स्पॉट हमको जो उनके फीडबैक्स आ रहे थे कि यार ऐसा डोसा हमने पहले कभी नहीं खाया, इतनी सॉफ्ट इतनी वाइट इडली हमने कभी देखा नहीं, कभी खाया नहीं, तो वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस था जब पब्लिक हमको ऑन दी स्पॉट रिव्यू करती थी। मतलब पीपल यूज्ड टू से थैंक यू ऐसा खाना रायपुर को देने के लिए, हम लोग अपनी मेहनत कर रहे थे ऑलरेडी, पर लोग बहुत अच्छा रिव्यू अच्छे फीडबैक देते जाते हैं। से बातचीत इतनी अच्छी बातचीत की चलते चलते हमें लग गई जोर से भूख, आई चलते हम इन तीनों से पूछते हैं कि इनका फेवरेट आइटम क्या है यहाँ पे। घी पुड़ी मिनी इडली, मुंह में डालते ही साथ मिनी इडली अंदर, तीनों इडली मिनी इडली घी पुड़ी एनी टाइम मिनी इडली, ओके एनी टाइम मिनी इडली, मतलब वो ऐसी चीज है ब्रेकफास्ट लंच हमें कभी ऐसा होता ना कि मील के हिसाब से होता है, हमारे को कभी भी मिनी इडली हम तीनों खा लेते हैं। तो आप लोग ने ऐसे आइटम जान बुझ के रखे ताकि लोग मतलब दिन भर खाए, हैंडी है ना, इजी के गोइंग है, हैंडी है भाई, बाइट साइज की इडली है। तो ये आ गई हमारी फिल्टर कॉफी भाई, बेस्ट फिल्टर कॉफी इन रायपुर, मतलब मेरा ना ऐसा एक दिन भी नहीं होता जिस दिन मैं कैफे बेंगलुरु नहीं आता हूँ, और सीजन के अकॉर्डिंग है, मतलब एक साल होने वाला है कैफे बेंगलुरु को, आई थिंक सो 12th नवंबर को होने वाला है एक साल, और एक साल में मतलब सीजन के अकॉर्डिंग मेरा आइटम चेंज हुआ, ठंडी में फिल्टर कॉफी, गर्मी में लस्सी, और बारिश में हमें थोड़ा सा केसरी भात है इनका, और अभी इन्होंने पायसम भी इंट्रोड्यूस किया है वो भी बहुत अमेजिंग है, बट फिल्टर कॉफ़ी ऑलवेज फर्स्ट चॉइस। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैफ़े में क्या यूनिक डिशेज हैं और एक्सपीरियंस है जो दूसरे कैफ़े में नहीं है और जो आप उस पर ध्यान दे रहे हो? खाने की बात करें तो ओवरऑल बात करें तो एक्सपीरियंस, फास्ट सर्विस,
यहाँ फीडबैक या लोग यही बोलते हैं कि इतनी जल्दी ऑर्डर यहाँ पंच होता है सिस्टम में और वहाँ से डिलीवर होना शुरू कर देते हैं। तो लोग बोलते हैं कि भाई इतनी जल्दी सर्विस कैसे कर रहे हो। तो यूएसपी अगर आप बात करोगे अपने रेस्टोरेंट की, कैफ़े बेंगलुरु की, तो फूड तो है ही है, अपार्ट फ्रॉम द फूड सर्विस विच कम्स वेरी फास्ट, तो वो आज भी हम लोग उसको मेंटेन करते हैं और हम उसको प्रॉपर ट्रैक करके रखते हैं कि सबके पास एक डिफरेंट वो होना चाहिए, एलोकेशन करके रखा हुआ हमने टीम को कि कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, तो उससे क्या हैसल ही नहीं होते हैं और आपको सर्विस फास्ट मिलती है। आने वाले टाइम में कैफ़े बेंगलुरु के लिए क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, एक्सपांशन या कुछ नए डिशेज ऐड करने का क्या प्लान है? ये भाई देंगे अच्छा जवाब उसका। अभी तो मोस्टली जो जनरली जो बेसिक चीज़ें साउथ इंडियंस में होनी चाहिए हमारा फोकस उसी पे ही है। हम अभी हमने अपने किचन को भी थोड़ा सा एक्सपेंड किया है पीछे, हो सकता है कि फ्यूचर में हम एक दो डिशेस जो कर्नाटक पे और सर्व के जरिए जैसे कि पड्डू हो गया यहाँ पे अप्पे के नाम से जानते हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। हम ज़्यादा रेसिपी को एक्सपेंशन में नहीं जाना चाहते, जो बेसिक चीज़ें लोगों को पसंद है उसको और कितना बेहतर तरीके से और कितना बेहतर कर सके उस पर हम फोकस रहते हैं, कोशिश यही रहती है। फिर डिमांड्स कुछ आते हैं तो थोड़ा रिवीजन के लिए एक एक हम एड ऑन करते रहते हैं। ऐसे कन्नड़ा कुजीन में रेसिपीज़ तो बहुत सारी है लेकिन हम रेसिपीज़ को ज़्यादा जो है ना पजल नहीं करना चाहते, तो बेसिक चीज़ें वो आप दे रहे हो। मोस्टली जो मोस्टली एक्सेप्टेबल जो डिशेज हैं कुजीन की हम वही सर्व करते हैं। व्हाट अबाउट द प्राइसेस, मतलब आप लोगों ने प्राइसेस का मतलब इतना सस्ता तो मैंने रेस्टोरेंट कहीं और नहीं देखा। हम तीनों का एक ही फोकस था कि हमारे को यहाँ फुटफॉल जनरेट करना है कि कोई भी आए कोई भी खाए, सस्ता सुंदर टिकाऊ बोलते हैं ना, वैसा ही प्लान किया हुआ था हम लोगों ने। देखो दूजे हंस रहा है, ये शुरू से हमारा यही प्लान था। मैं इसलिए हंसा क्योंकि मैं भाई से लड़ता था कि नहीं यार रेट बहुत कम रख रहे हो, तो मैं शीतल भाई का जो लॉजिक एस्ट्रोली मैं बिल्कुल सच कहता हूँ कि इनका ये लॉजिक, इनका एक्सपीरियंस जो 14-15 साल का जो इनका अनुभव है कि हम प्राइसिंग को कम करके हम वॉल्यूम पे काम करेंगे, तो जो मैं आज लाइव देखता हूँ ये इनका एक्सपीरियंस। मैं इनसे लड़ता था कि यार रेट ज़्यादा होना चाहिए, ये अपन जो क्वालिटी खिला रहे हैं उसमें फिर हम क्या बचा पाएंगे, तो ये बोलता कि एक भाव से खिलाएंगे, अब हम भाव से खिलाएंगे तो डेफिनेटली प्राइस कम करके खिलाएंगे तो एक वॉल्यूम में जाएंगे तो भगवान उसका प्रतिसाद हमको देगा और वो आज हमको देखने को मिल रहा है। नो स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से आपका? स्टार्टिंग प्राइस हमारा जो है 42 रुपीज़ की इडली है विथ GST करके जो है 42-43 जाती है। डोसा जो है 60-63 रुपीज़ से चालू है। राइस आइटम जो है 100 रुपये से है और मैक्सिमम हमारा राइस आइटम 150 का है। डोसा जो है 120 के आसपास का है। इडली जो है 80 के आसपास की। मतलब हाईएस्ट सेलिंग आइटम भी हमारे मतलब जो मोस्टली मेन्यू में जो सबसे हाईएस्ट प्राइस आइटम है वो दैट इज़ 150 रुपीज़ प्लस GST, तो उसके ऊपर कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। अब कट। इस कैफे में क्या ऐसा स्पेशल एलिमेंट है जो आप चाहते हैं कि हर विजिटर याद रखे और वो उनके लाइफ का हिस्सा बन जाए? हम लोग एक ही चीज है हम लोगों के लिए, बोलो, हमारी पूजा। क्या बोलते सर? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे एक पूजा होती है सुबह शाम दोनों भाई, वो पूजा अपने आप में ही एक अटेंशन है, मतलब सारे लोग एक एक पर्सन ऐसे मुड़ के देखते हैं वो। तो उस पूजा में ऐसा क्या खास है और क्या आप क्यों करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट? एक्चुअली हम चाहते थे कि यहाँ पे जितने भी हमारे कस्टमर्स आए और जो चीज़ खा रहे हैं, एक्चुअल में साउथ में ये स्टेपल फूड है, भगवान को चढ़ने वाला आइटम है, तो हम चाहते थे कि लोग यहाँ पे बैठ के खाएं तो उनमें वो फील हो कि वो टेंपल में बैठ के खा रहे हैं। और जब हम पूजा तीनों भाई मिल करके एक साथ पूजा करते हैं और जो शंखनाद होता है तो पब्लिक का पूरी नज़र हमारी आरती की ओर रहती है और अंतरात्मा से जो है वो इतने अपने आप को शांत फील करते हैं और महसूस करते हैं कि नहीं हम किसी एक टेंपल में बैठ करके जो है हम साउथ इंडियन फूड का आनंद ले रहे हैं। जब मुझे शंख बजाता ना मेरे मुँह से एक ही चीज़ निकलती है, वाह हर हर महादेव बाबू।
जयपुर में जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या क्वालिटीज आपके हिसाब से उन्हें सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगी इन अपकमिंग स्टार्टअप्स? इफ किसी का मन है कुछ रेस्टोरेंट या कैफे ओपन करने, सबसे पहला चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरा भाई जो बोलता है हमेशा कि भाव के साथ में खिलाने का, अगर एक एंटरप्रेनर के मन में जो है कस्टमर को खिलाने के लिए एक अच्छी भावना होगी तभी जा कर के वो एक अच्छा एंटरप्रेनर बनेगा। वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा तो डेफिनेटली चीज़ें भी बहुत अच्छी बनकर आएगी। कविया कंसिस्टेंट होना चाहिए अपने आप को, अपने काम के लिए, और दूसरा टीम को लेके चलने वाला हो। आपको अगर एक आउटलेट मैनेज करना है तो वो टीम मैनेज करेगी, आप या तो आप बना नहीं सकते हो, या तो आप सर्व करोगे या बना सकते हो या आप ऑर्डर लोगे, राइट? तो सब काम करना टीम ओरिएंटेड काम है। अगर आप टीम को अच्छे से लेके चलोगे तो यू कैन मेक अ गुड यू नो बिजनेस, एक अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं। क्या बोलते हो? टाइम रहो, दोनों एकदम सही बोल रहे हैं और ये जो बोले हैं मैं भी उसको एग्री करता हूँ 100%। कैफे बेंगलुरु स्टार्ट करने वक्त कुछ ऐसे चैलेंजेस आए जैसे जिससे आप पर्सनली ग्रोथ एक्सपीरियंस किया? इनिशियली तो जो है हमारे लिए सबसे बड़ा जो एक ऑप्टिकल्स के रूप में आ रहा था कि हम हाईवे पे बैठ के काम कर रहे थे तो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू था पार्किंग का, बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर था जिसको बहुत अच्छे ढंग से मेरे भाई शीतल ने जो है आप आसपास के जितने भी जो शॉप के ऑनर्स हैं उनके साथ में तालमेल बैठा करके जो है पार्किंग की व्यवस्था को सही करने का पूरा प्रयास किया। जहाँ गड्ढे थे उनको पटवाने का काम किया ताकि पार्किंग अच्छी से हो सके, कार की पार्किंग हो सके, बाइक पार्किंग हो सके, तो इसके लिए बहुत अच्छे व्यवस्थित ढंग से जो है शीतल भाई ने इसकी तैयारी करके रख ली। बट आप लोगों को पर्सनल ग्रोथ क्या मिली कैसे बेंगलुरु? जो सबसे अच्छी चीज़ हुई कैफे बेंगलुरु में, तब आज हमको शहर के काफ़ी बड़ा सर्कल हमको पहचानता है कि कैफे बेंगलुरु है और उसके ओनर हम तीनों हैं, ये पर्सनली बहुत बड़ी ग्रोथ है। तो सिर्फ पैसे से ग्रो नहीं कर सकते अपन। अब कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं भाई ये बाहर का ब्रांड है क्या, ये बाहर का ब्रांड है, जो हमको नहीं जानता, ये नहीं जानता कि हम तीनों के ब्रांड है, ये वो सिर्फ कैफे बेंगलुरु देख के आ रहा है, वो लगभग ये परसेप्शन लेके जाता है। आज भी लोग यही सोचते हैं जिनको नहीं पता है कि ये एक वो है ब्रांड है, आउटलेट है, ये चेन ऑफ रेस्टोरेंट, चेन ऑफ रेस्टोरेंट। मतलब मैं खुद ये देखता हूँ जब भी आता हूँ लोग पूछते हैं कैफे, इवन मेरे से भी लोग यही पूछते हैं भाई कैफे बेंगलुरु कहाँ का ब्रांड है, जबकि हमारा ये खुद का ओन ब्रांड है, हमारा ट्रेडमार्क हो गया है कैफे बेंगलुरु के नाम से, कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे, मतलब छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी नहीं, तो ये हमारा खुद का ओन ब्रांड है और हमने इसके ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है एक साल के बाद। वो तो पहले ही हो गई थी, शुरू से ही करा के रखा था क्योंकि माइंड सेटअप यही था कि इसको ग्रो करना है। भैया भूख लग रही है, भैया लोग से पूछता हूँ कि उनका फेवरेट आइटम क्या है यहाँ पे? बैंगलोरियन एट इट बेस्ट घी पूड़ी मसाला डोसा, मिनी इडली घी पूड़ी। अब आप तो इन्होंने खाना बोल दिया, मेरे लिए मीठा ले आओ यार, पायसम बोल दे। पायसम ठीक है, हम तीनों आइटम मंगाते हैं जल्दी से। तो भैया ये है कैफे बेंगलुरु का बैने डोसा, भाई राज बताओ इतने घी पूरी डोसा, तो इसका राज बताओ इतना कलर टेक्सचर कैसे होता है घी पूरी डोसा? सबसे पहले तो मैं इसका घूंघट ओपन करूंगा और दिखाना चाहूंगा कि व्हाट द इंग्रेडिएंट्स वी आर यूजिंग। ये पूरी मसाला हम डालते हैं डोसा के ऊपर में स्प्रेड करके, ये डाल करके आलू मसाला की अंदर फीलिंग देते हैं, ये हमारा बेस्ट सेलिंग आइटम है घी पूरी मसाला डोसा। क्रंच और इसकी स्पेशलिटी है इसकी क्रंच, सी the sound of crunchiness. भाई खाना लग चुका है, हम खाना एंजॉय भी कर रहे हैं, बट खाने के साथ हम सोचा कि रैपिड फायर गेम खेलते भैया के साथ, लेट्स सी किसका आंसर क्या आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ कैफे बेंगलुरु? वाओ, अल्टीमेट जाम। मोस्ट ऑर्डर्ड डिश एट कैफे बेंगलुरु? घी पूड़ी डोसा।
मिनी इडली की पूरी। फिल्टर कॉफी। फेवरेट बेंगलुरु इंस्पायर्ड आइटम ऑन द मेन्यू। सॉरी क्या 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 नहीं आई मीन फेवरेट बेंगलुरु आइटम इंस्पायर्ड आइटम ऑन द मेन्यू। बेन्नी दोसा। बेन्नी। बेन्नी दोसा। रायपुर क्राउड लव्स फूड और वाइब्स। बोथ। सिग्नेचर ड्रिंक एट कैफे बेंगलुरु। फिल्टर कॉफी। फिल्टर कॉफी। वन मेन्यू आइटम दैट सरप्राइज यू विद इट्स पॉपुलैरिटी। ओपन बटर मसाला डोसा। ओपन मेन्यू डोसा। गो टू कॉफी ऑर्डर। सुपर। Biggest challenge of running a cafe? Many. One thing you bring from which we overcome. हाँ? जिससे हमने पूरा एकदम overcome हो गया इस। और जिसका all thanks to Dujay. Dujay भाई। मैं तीनों। Nice. कोई नहीं रहता हम लोग घुस जाते हैं किचन में। आज भी ना। तीनों। We actually we are the pedals and we are the wheel of रिक्शा। एक भी चक्का गिरा मतलब रिक्शा गिरा। Nice. Next question. One thing you bring from Bangalore to Raipur besides the food? Emotions. Dishes and emotion of public. Dining or takeaway, what to do enjoy more? Dining. Dining. All time favorite feedback from a customer. एक एक करके बताना तीनों अपना. मजा आ गया. Favorite feedback of customers. हाँ गेस्ट का ही बोल रहा हूँ मैं। मजा आ गया। ऐसा खाना कभी नहीं खाया जो फर्स्ट डे खाया आज भी वही टेस्ट। सेम मुझे भाई। बेस्ट टाइम टू विजिट कैफे बेंगलुरु। एनी टाइम भाई। एनी टाइम। डिस्क्राइब द वाइब ऑफ कैफे बेंगलुरु इन 3 वर्ड। नमामि शनिश्चर। हर हर महादेव। फेवरेट कॉर्नर और स्पॉट इन कैफे। टेबल नंबर 68। टेबल नंबर 12 मेरी ऑफिस। In Cafe Bangalore had the theme song what would be? It is all because of Sheetal Bhaiya. Namami Samishan Sheetal Bhaiya ne dhunda tha. Jo hamesha chalta hai jab wo yahi pe wahi chalta hai log. Exactly. Maine khud apna collar tree wahi banaya hua hai. Mujhe bolte hain bhaiya Cafe Bangalore ka collar tree churaya hai. Bahut sare logon ne bana liya yahan se sunne ke baad. Log ne puchne chalu kiya ki ye jo hai jo traditional jo song chal rahi hai wo kahan se liye? YouTube में क्या नाम से जो शाम की और दिन की आरती होती है जो उसमें जो आरती चलती है वो तुझे नहीं वो करेगी यही इसी आरती में बाबा की जो है केवल भगवान की शिव जी की जो है राधा को लेकर माता जी की हमने जो है महाकाल की जो है आरती हमने करी जो YouTube में मैं देखा करता था और सुना जब फर्स्ट टाइम मैंने सुना खुद को इतनी अच्छी लगी मैं घर पे सुनता हूँ लेकिन अच्छा करेंगे थोड़ा सा प्राइम से प्रीमियम सेगमेंट में आगे करेंगे और पब्लिक के जो एक्सपेक्टेशंस हैं और भी उसको और बेहतर ढंग से हम रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट आउटिंग पे। तीनों भाई एक साथ मिल करके पूरी मेहनत के साथ पूरी लगन के साथ बहुत अच्छे ढंग से हम नया आउटलेट स्टार्ट करेंगे लोगों को सरप्राइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ कितना डोसा बिकता रोज सा? ये नहीं मिलाएंगे। कैफे बेंगलुरु बहुत अच्छा है। सबसे स्पेशलिटी ये कि हम लोगों को जैन खाना चाहिए होता है जो हर जगह नहीं मिलता है। हर जगह सिर्फ चटनी मिलती है इडली के साथ में। यहाँ पे सांभर भी मिलता है और बहुत अच्छा है। सर्विस भी बहुत अच्छी है यहाँ की। हम लोगों को सनसेट के पहले खाना होता है, उसके पहले सारी चीज़ें हमारी कम्प्लीट हो गई। बहुत अच्छा लगता है। मैं तो मेरे फ्रेंड्स लोग आए हैं रायपुर तो इनको मैं लेके आया हूँ आज यहीं पे। आओ बेंगलुरु कैफे। ये दिल्ली में रहती है, श्रवण भवन की तारीफ करती है। मैं बोला यहाँ का खा के देख। कैसे लगा आपको? बहुत टेस्टी है। यहाँ का जो फूड है बहुत अच्छा है। हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ आते हैं। जब भी हम यहाँ पे फूड के लिए आते हैं ना, इसका फूड और टेस्ट एज इट इज़ मेंटेन रहता है और ऑथेंटिक टाइप से मिलता है। बहुत 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 टेस्टी लगता है। मैम हफ्ते में कम से कम 2-3 बार आई जाता हूँ मैं। यहाँ की इडली, यहाँ का डोसा बहुत टेस्टी लगता है मुझे। मैं बाहर से भी आते हैं उनको यही सजेशन करता हूँ कि यहाँ आए कुछ खाएँ। बहुत बढ़िया टेस्टी था।
अच्छा लगा। ये थी कैफे बेंगलुरु की जर्नी। बट भैया लोग को मैं बोलता हूँ कि आप क्या देना मैसेज खाओगे रायपुर वालों को जो इतना प्यार दिया एक साल में। ऑन बिहाफ ऑफ कैफे बेंगलुरु थैंक्स टू रायपुरियंस जिन्होंने हमें इतने कम समय में इतना प्यार दिया और हम उनसे आशा करते हैं कि आगे भी हमें सेवा का मौका देते रहेंगे और इतना प्यार जो हमें मिल रहा है वो हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू रायपुर। थैंक यू सो मच रायपुर। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। बाय बाय।